gun. अंक कम भूले तुम्हारा दिन खराब है। नीचे चुप। जल्दी करो। चलो जल्दी करो। बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाया, अभी अभी नसीब काम करने लगा है। चलो जल्द से मुझे थोड़े से पैसे दो। बिल्कुल नहीं, तुमने पहले का भी नहीं चुकाया है। क्या मतलब? तलवारबाज होने के नाते मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा? अभी भी खुद को तलवारबाज कहने की हिम्मत रखते हो? पिछली बार तुमने ओल्ड बैंक परिवार की मदद की थी और उनका छत ही निकल गया था। मैं और पिछले महीने में लेडी चेन गिर गई। तुमने कहा था कि तुम उसकी मदद करोगे, पर तुमने उसे घर पहुंचाने के लिए कुंफू का इस्तेमाल किया, इसलिए तुम घरों के छत और दीवार से भाग रहे थे। अरे मैं उसके बाद भी खुद को तलवारबाज कहते हो? तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। चलो, क्या तुम्हारे जैसा कोई तलवारबाज है? चुप रहो, दो वरना रहने दो। निकल जाओ यहाँ से। मुझे दरअसल लोगों को मारने का डर लगता है, वरना तुम मेरा यह हाल नहीं करते। अरे रुक जाओ। ओए, भागो, भागो। वहाँ पर है, वहाँ पर। जल्दी चलो। चलो। ये कुछ चोर नहीं पकड़ पा रहे हैं और खुद को पुलिस वाले कहते हैं। अरे हटो, रास्ते से हटो। हुलाय, आप जाकर उन गुंडों को क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं तुम्हें बताऊं, अब मैं तलवारबाज नहीं हूँ। पर मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी तलवारबाजी करते हैं। ठीक है ठीक है, बकवास मत करो, निकल जाओ यहाँ से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डरपोक। क्या कहा तुमने? मैंने कहा आप डरपोक हैं, आप तलवारबाज कहने के लायक नहीं। हट जाओ, हटो। अरे,
अरे ये तो उड़ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? अरे कितना अच्छा कुंग फू किया इसने। पता नहीं कौन है, हाँ देखो तो, पता नहीं शायद लड़ी। तुम लोगों ने कितने पैसे लूटे हैं, थोड़े मुझे भी दे दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, बेहतर होगा कि तुम रास्ते में ना आओ। ठीक है, तुम्हारे लिए हिसाब मैं करता हूँ। भीख मांगना, घोटाला करना, धोखा देना, इसमें से कौन सी चीज अमीर बना रही है? तो फिर लूटने क्यों गए थे? देखो जोखिम बहुत बड़ी है, लेकिन तुम फंस जाओगे, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। चलो खुद को मेरे हवाले करो, और अगर तुमने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो तुम सभी लोगों को आर्मी में भेजा जाएगा, जहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होगा, तुम्हारे शरीर के टुकड़े किए जाएंगे। एक बात जान लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तुम लोग तो वाकई में डर गए हो। अरे उठाओ इसे, चलो। सुनिए, चलिए ना अंदर। कहाँ जा रहे हैं? अरे चलिए ना, आइए ना। अरे नहीं जाना। हाँ हाँ मैं आने को तैयार हूँ। अरे मेरी तो जाओ यहाँ से, जरा आइए ना, स्पेशल ऑफर है। सुनिए सर, आप अंदर आएंगे जरा देखिए तो। मेरे साथ आइए, स्वागत है। अरे क्या तुम्हें पता है आज चोर को किसने पकड़वाया और कितना नुकसान हुआ था? कितना? 3000 का। पुलिस खाते का रिकॉर्ड जल्द ही टूटेगा। हाँ वो तो है, ले सच में सब बिगाड़ सकता है। वो यहाँ की सुरक्षा की बात करता है, और मुझे लगता है कि उसके जाने पर ही यहाँ शांति होगी। हाँ वो बहुत बुरा है, पुलिस उसका बंदोबस्त क्यों नहीं करती है? ए, मेरे लिए शराब ले आओ। पहले पैसे दो, खाते में लिख देना। तुम पहले पुराना कर्ज चुकाओ। नहीं मुझे, मुझे तो लगता है कि अब निकलना। कैसे हो? चलो यहाँ से। दूसरों की वाइन क्यों पी रहे हो? ये लो मेरी वाली पियो। लेकिन तुम मुझे अपनी वाइन क्यों दे रही हो? तुमने मेरी जान बचाई थी, भूल गए? आ, शुक्रिया। फिर रुको, यहाँ ऐसे पीने में क्या मजा, चलो कहीं शांत जगह जाकर पीते हैं, सिर्फ तुम और मैं। चलो तुम्हारे घर चलकर पीते हैं। तलवारबाज हूं अब कहां से?
मैंने आखिर क्या गुनाह किया है? क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसे? जब से तुम यहाँ पर हो एक दिन भी हमारा चैन से नहीं गुजरा। अगर 3 साल से मैं लिंचवी काउंटी को नहीं बचाता तो आज तक वो चोरों के हाथ में हो जाती। लेकिन तुम ज्यादा नुकसान करते हो, तुमसे लोग कितना नफरत करते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? ये सब जानते हैं, हमारा लिंगशुई देश उत्तर दक्षिण यातायात के प्रमुख जगह पर है। उत्तर में ये सीधे 2 प्रांतों से जुड़ता है जिसकी वजह से व्यापारियों के लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ काम करके बहुत सारे पैसे कमाएंगे, लेकिन ये जगह जहाँ पर पहले से बहुत सारा पैसा है ये एक बुरा प्रभाव भी डाल सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बार बार डकैती होती है। तो अब हमें इसकी जरूरत है ताकि हम आसानी से व्यापार कर सके। बिल्कुल सही, ये बहुत आसान है। हर एक व्यापारी अपने मुनाफे का एक हिस्सा संस्था में दान करेगा और उससे ये संस्था और बड़ी होती जाएगी और फिर हम लिंगशुई को बचा सकते हैं। ज्यादा समय यहाँ रहने पर तुम ये बात लगातार कहोगे क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट संघ में आ जाऊँ। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं। उससे हमारा क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हम एक चैरिटी ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि हम छोटे और बड़े व्यापारियों को सामान पहुंचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, लिंगशुई के बाहर से जो व्यापारी आकर व्यापार करना चाहते हैं हम उनकी भी मुफ्त में सहायता करेंगे। क्या तुमने मुफ्त कहा? जी। ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रो बोनो के साथ हम नहीं काम कर सकते, लोगों को लगेगा हमारा कोई और मकसद है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है, देखिए फिलहाल लिंगशुई के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी संस्था को पैसे देकर ये काम करवा सके और इसीलिए फिलहाल हमारे लिए यही काम करेगा। ये काम नहीं करेगा, काम बिना इनाम के, ऐसा कौन करना चाहेगा? हाँ, कौन करेगा? देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मैंने एक रास्ता निकाला है। हमारी ये संस्था बन जाने के बाद हर एक व्यापारी अपने व्यापार का एक झंडा यहाँ लगा सकता है और जैसे ही हम मशहूर हो जाएंगे हम सभी का व्यापार धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा। तुम चाहते हो झंडे के लिए हम पैसा दें? भाई शेन, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कुछ ज्यादा ही साधारण सोच रहे हो, समझे? कैसा रहेगा, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए झंडा लेकर आ जाऊंगा। सही कह रहे हो। भाई चैन, लगता है तुम्हारी बीवी ने आज खाना नहीं बनाया तुम्हारे लिए। भूख के मारे तुम पागल हो गए हो। ये नहीं होगा, इनाम के बिना ये कौन करेगा? बोलो। एक झंडे के लिए तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पैसा दे दे? भाई चैन, तुम ज्यादा ही साधारण सोच रहे हो। भाई चैन, लगता है तुम्हारी बीवी ने आज खाना नहीं बनाया, भूख लगी है क्या तुम्हें? रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। अरे सही किया इसने, क्या हो गया ये? इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बुरा हुआ। तुमने मेरे घोड़े को क्यों मारा? क्या बकवास कर रहे हो, वो घोड़ा लोगों को मार रहा था। तुम्हें घोड़े की कीमत पता है? तुम्हें जान बचाने का शौक है तो लोगों को रास्ते से हटा दो ना। अब घोड़े को मारा तो पैसे तो भरने पड़ेंगे तुम्हें। पैसे निकालो। सही कह रहा है ये, घोड़े को मार दिया। सिर्फ पैसा चाहिए तुम लोगों को? कितने लालची लोग हो तुम लोग, तुम एक पागल आदमी हो। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, क्या आपको दिखता नहीं कि मैं जिंदा हूँ? आप सब सही कह रहे हैं, ये मुझे दूसरे तरीके से भी बचा सकता था लेकिन उस वक्त सोचने का समय नहीं था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, माना कि घोड़ा कीमती है तो क्या इंसान की कोई कीमत नहीं? जो भी नुकसान हुआ है मैं दे दूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से, चलिए जाइए, जाइए 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 आप लोग। आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं। सुनिए ना, क्या आप मेरे घर खाना खाने के लिए आएंगे? आपको भूख लगी है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है मेरी बीवी बहुत अच्छा मछली बनाती है और मुझे पता है कि आपको इतना पसंद आएगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए इस तरफ। आ गए? हाँ मैं आ गया। और ये? ये बहुत अच्छे तलवारबाज हैं। अभी रास्ते में एक घोड़ा मुझ पर हमला करने वाला था लेकिन इन्होंने मेरी जान बचाई। ओह, तुमने कहा इसने तुम्हारी जान बचाई? हाँ,
हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप इनसे मिलिए, ये है मेरी बीवी लियो मियोतोंग। हेलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो, तुम कुछ बढ़िया सा खाना बनाओ ताकि ये खाने के बाद बस उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ। आप आइए ना, अंदर रहिए, आइए जाओ खाना बनाओ। आइए ये लीजिए थोड़ा सा। तुम मार्शल आर्ट सिखाते हो ना? जी। लेकिन तुम्हें कुंफू आता कहाँ पर है? झूठ बोलते हो। मैं बस चाहता हूँ कि कुछ अमीर हमें पैसे दें और मैं लोगों को मार्शल आर्ट सिखाऊं ताकि लिंगशुई सुरक्षित रहे। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे झूठे काम को पैसे दे, इससे बेहतर बंद कर दो। मगर तुम खुद भी तो लिंगशुई की रक्षा कर रहे हो। लेकिन मुझे उस बात का पछतावा हो रहा है। देखो मैं बताता हूँ, मार्शल आर्ट्स है ना बहुत बेकार है, और ये न्याय की वगैरह बातें करना सब बेकार है, क्योंकि उसके बाद लोग तुम्हारे ऊपर ही उंगलियां उठाते और उस वक्त तुम कुछ भी नहीं कर पाते। इस बारे में तुम्हें सोचना होगा। ठीक है पहले खा लो। और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस लिंगशुई काउंटी के लोग ना बिल्कुल भी इंसान नहीं है। मैंने उनकी जान बचाई और वो लोग कहते कि मैंने उनकी जान जोखिम में डाली। क्या तुम्हें सतर्क नहीं रहना चाहिए? सबके मेहनत की कमाई तुम्हारी वजह से खो जाती, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो तुम मुझे बताओ, इंसान जरूरी है पैसा? हाँ, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो पैसों का क्या मतलब? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं। कभी दूसरों को खुद की जगह रख के देखो। क्या हुआ, क्या मैंने गलत बोला? हमारे देश के लोग नहीं जानते ये कैसा इंसान है। पता नहीं कैसा इंसान हूँ मैं। ठीक है, मुझे ना अब तलवारबाज बनके नहीं जीना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहती हो। तुमने क्या किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए, लेकिन मेरे पति को चालाकी मत सिखाओ, उन्हें ऐसे रहने दो। अरे ठीक है, अगर आपको मेरी बीवी की बातों का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा पेट भर गया, मैं निकलता हूँ। अच्छा नहीं किया तुमने। सुनिए सुनिए मेरी बात। अरे मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, अंदर जो भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और एक बात, दावत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान मंद हूँ। हाँ कोई बात नहीं, दरअसल मैं जानता हूँ कि सब आपसे बहुत नफरत करते हैं, आपको बहुत बुरा लगता होगा ना। नहीं, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको बदलना चाहता हूँ। लिंगशुई के लोग जो आपके बारे में सोचते हैं उस सोच को बदलना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि आप किसी खुफिया तरीके से लिंगशुई की रक्षा कर रहे हैं और हमारी सेवा कर रहे हैं, और इसके बदले में हम सभी को आपका आदर और सम्मान करना चाहिए। मुझे उसकी जरूरत नहीं, बेहतर होगा वो मुझे ना डांटे। देखिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं, वो आम लोग हैं और उनके मन में कोई खोट नहीं है, वो भी तलवारबाजों को बहुत मानते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको एक छोटे से बदलाव की जरूरत है, हम इसके बारे में शांति से बातचीत करेंगे। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, मुझे आपका इंतजार रहेगा। आप वापस जरूर आएंगे है ना? मैं इंतजार करूंगा। आज तुमने उनके सामने ऐसी बात क्यों कही? क्या तुम उन्हें जानती हो? पता नहीं, वो ऐसा इंसान है जिसे कोई नहीं सुधार सकता। वैसे हम सब जानते हैं कि वो कोई बुरे इंसान नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत खामियां हैं उनमें जिन्हें बदला जा सकता है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनके रहते हुए हमारी संस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे। किसी भी चीज को देखने का सही नजरिया होना चाहिए। तुम बस अपना समय बर्बाद करोगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बुरा लग रहा है। तुम मुझसे बात ना करो तो अच्छा रहेगा, समझ गए ना? ऐसे लोगों से दूर ही रहो।
देखो, अच्छा है ना? सुनिए जरा देख तो लीजिए, सस्ते में है, आइए ना। आप आ गए, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। देखिए आपको बदलना होगा, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारा घर दिखाई नहीं, 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 आप अंदर आइए, आइए मेरे साथ आइए। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आप आइए ना तुम्हारे, आप अंदर नहीं आना घर में, आप आइए 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 अंदर आइए आइए। बस कुछ पुरानी आदतें हैं जिन्हें आपको बदलना होगा, आपकी कमियों को दूर करना होगा। मुझमें क्या खराबी हो सकती है? ये मुझे पुलिस वालों से मिला है। आपने अब तक लिंगशुई में जितने भी कुकारनामे किए हैं वो सब इसमें दर्ज है। चाहिए इतना ही है? हाँ, मगर मैं आपको बदलने में आपकी मदद करूंगा। ये देखिए, आपने दुल्हन को अगवा किया था। चलो भाइयों, पकड़ने में मदद करो, जल्दी मदद करो, चलो इसे पकड़ो, पकड़ो इसे, चलो जल्दी चलो, चलो चलो हमारे साथ चलो, चलो चलो। दुल्हन को अगवा करना ये बस एक रीति रिवाज है, आपने बिना पूछे दूल्हे को इतनी बुरी तरह पीट डाला। मुझे क्या पता वो लोग मजाक कर रहे थे। चलो ठीक है ठीक है, माना आपको इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन इसके बारे में क्या? मेरा पैर, मदद करो, मदद करो, मेरा पैर, तलवारबाज मेरी मदद करो। मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में। तुम भूल गए थे, लेकिन वो लोग नहीं भूले। वहां के लोगों को ठीक होने में 6 महीने से अधिक का समय लगा। मेरी बात सुनो, देखो ये सब जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम लोगों के अंदर अपनी क्या छवि बनाते हो। तुम जानते हो वो क्या सोचते हैं? मुझे नहीं जानना। तुम एक हारे हुए इंसान हो। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मगर ये सच है। एक हारे हुए इंसान होने में कोई बुराई नहीं है, मगर कोई अच्छाई भी नहीं है। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हमें मुसीबत की जड़ तक पहुँचना है। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन तुम ये जरूर चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। तुमने किसी की जिंदगी बचाई, मगर लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि तुम लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते। हमें चीजों को बदलना होगा और शुरू से शुरू करना होगा। ये मुझे दो, ये मत पियो। तुम हमेशा इसे पीते हो। दो मुझे, ये तुम नहीं पी सकते। हटाओ, मुझे दो, दो ये पी सकते। तुम इसे लाओ, उसे वापस करो। हक जताओगे क्या इसे? रोज पीते हो ना। दो, क्या हो रहा है? वो हम लोग तो बस बस मैं उसे सिखा रहा था कि लोगों से कैसे घुलते मिलते हैं। तुम लोग ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। गवर्नर ने ये नोटिस जारी किया है हुलाई को पकड़ने के लिए। मुझे लगता है इसे यहाँ से दूर ले जाना चाहिए। देखा तुमने? देखता हूँ किसकी हिम्मत है मुझे पकड़ने की। अरे यहाँ आओ, यहाँ यहाँ बैठो, बैठो बैठो यहाँ पर बैठो आराम से। तो हमें इस वक्त जो चाहिए वो हमें मिल गया। हमें इस वक्त इसी की जरूरत थी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सामने वाले को उसी के खेल में हरा दें। क्या मतलब? देखो इस वक्त लोग तुमसे नफरत करते हैं और सरकार तुम्हें जेल के अंदर डालना चाहती है, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से जेल के अंदर गए तो मैं दावा कर सकता हूँ कि लिंगशुई को बचाने वाला कोई नहीं होगा और 1.5 महीने में जरूर डकैती होगी। और उसी वक्त लोग यही चाहेंगे और इस बात की भीख मांगेंगे कि तुम बस वापस आ जाओ। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि सरकार मुझे उन्हें बचा नहीं देगी? अगर मेरी बात गलत भी है तो भी तुम उस बड़े जेल से आसानी से भाग सकते हो, क्यों है ना? तो इसीलिए तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। भरोसा रखो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तलवारबाज बना सकता हूँ। हाँ? जाओ।
हाँ ये तो वही है जिसने घोड़े को मारा था। हाँ सिर्फ नुकसान करता है। तो बहुत ही अजीब है। सिर्फ फिरासा पता नहीं क्यों देखो मैं यहाँ पर आप सबकी माफी मांगने आया हूँ जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया है मुझे माफ कर दीजिए। तुम निकम में हो। लिंग शो से बाहर निकलो। आप सब शांत हो जाइए। आप सब शांत हो जाइए। शांति शांति पहले इसकी पूरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ। भरोसा रखो जब मैं जेल चला जाऊंगा तब मैं पूरा सहकार्य करूंगा और अपनी जिंदगी को मैं फिर से शुरू करूंगा। और कभी बाहर मत आना। मैं पुराने मसलों को हल कर दूंगा। आप सभी लोग देखते रह जाओगे। नीचे आ जाओ जल्दी करो सभी लोग एक कतार में। एक बात बता दो जब हम वहां जाएंगे सबको मेरी बात सुननी होगी मेहनत करनी होगी तभी वहां से तुम सब बाहर निकल पाओगे। जल्दी आ जाओ। अरे वो देखो कोई नया बंदा आया है। अरे इधर आओ इधर। अरे तू इधर अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो मेरे पास आओ ना। बहुत बढ़िया जरा समझ कर आंखें मत बंद करना गिरज रखना हम तुम्हें भी जाओ अंदर देंगे। मालो ये लग रहा है अब मैं समझ गया तुम्हें लगता है तुम मेरी वजह से अंदर हो। सही कहा तो क्या हुआ अब बदला लोगे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे ये ख्याल छोड़ो और अपना अपना काम करो समझ गए। अच्छी कोशिश थी तुम्हारी। हाँ सही कहा। मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए शांति और अमन चाहिए। रास्ते से हट जाओ तुम मरोगे। अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें गेंद की तरह पटक दूंगा। तुम्हारी तो तुमने सच में उसे गेंद बना दिया। हाँ वो चाहता था कि मैं करूं। ठीक है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे।
फिलहाल पुलिस ये चाहती है कि तुम 20 सालों तक जेल में रहो। 20 साल? हाँ। क्या कर रहे हो तुम? ये तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। धीरज से काम लो। मैंने तुमसे कहा था ना, भले ही वो 20 साल कह रहे हैं, मगर जैसे ही लिंगशु में डकैती बढ़ेगी वो तुम्हें छोड़ देंगे। मुझ पर भरोसा रखो। जल्दी अंदर जाओ। रुक जाओ डरपोक कहीं के। डरपोक किसे कह रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ। जरा फिर से कहकर बताओ। तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? तुम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते और एक डरपोक तलवारबाज कैसे बनेगा? कह रहा हूँ, मैं तलवारबाज नहीं बन सकता। अच्छा, तो फिर निकल जाओ लिंगशु से बाहर, ताकि लोग खुश रह सके। मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगता है, बाकियों का कोई लेना देना नहीं है। डरपोक हो तुम। ऐसा बर्ताव करना बंद करो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। भरोसा रखो मुझ पर, मेरे तरकीब पर भरोसा रखो। रुक जाओ, लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम एक असली तलवारबाज हो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहां से चले गए तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। दूसरी बात, नशा करना बंद करो। तुम जहां भी जाओ लोगों पर तुम्हारा अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। लोगों से दुश्मनी करना बंद करो। तुम्हारे आने से तुम्हें देखकर लोग खुश होने चाहिए, उन्हें लगे कि वो महफूज हैं। तीसरी बात, सरकार से तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। सवाल करना बंद करो, खास तौर पर पुलिस वाले। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या बात है? शहर में 30% तक डकैती बढ़ चुकी है, और ये सब सिर्फ कुछ दिनों में हुआ है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लुंगशुई को हुलाई की जरूरत है। से कोई मिलने आया है? हेमिंग नहीं आया? उसे कुछ काम था, इसलिए मैं आ गई आज। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम यहां से भाग जाओ। हाँ? मैं जानती हूं तुम बहुत माहिर हो, तुम भाग सकते हो। जाओ, भाग जाओ जितनी दूर हो सके। तुम मेरी मदद करोगी? हमारे देश में बहुत चोर हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकते।
मैं डरता तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें हरा नहीं सकता। तुम उन्हें नहीं हरा सकते, वो तुमसे इस बात का बदला जरूर लेंगे। आने दो उन्हें, मैं भी उनसे लड़ लूंगा। मैं डरता हूँ क्या उनसे? पर मैं तो डरती हूँ ना। जानती हो तुम लड़ सकते हो, चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। पर हेमिंग का क्या, उसका क्या होगा? क्या तुमने उसके बारे में सोचा है? क्या तुम उसकी हमेशा इसी तरह रक्षा करते रहोगे? इसलिए बेहतर है तुम यहां से चले जाओ। और हाँ, दोबारा हीरो बनने की कोशिश मत करना। हेलो मत, चोर चोर आ गए हैं, हटो। क्या कर रहे हो तुम? ले लो ले लो, सब कुछ ले लो, चलो जल्दी चलो चलो। वो लाए को तो अभी अभी जेल भेजा है, और ये चोरों की गैंग आ गई लूटने के लिए। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। सही कहा, अब तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चोरियाँ होने लगी है। तो पुलिस क्या कर रही है इसमें? मुझे लगता है तुम्हें बहुत जल्दी ही छोड़ देंगे। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या है ये? मैं तुम्हारे लिए ये कपड़े लेकर आया हूँ। ये इतने भद्दे कपड़े मैं कभी नहीं पहन सकता। ये कपड़े पहनोगे तो तुम अच्छे दिखोगे। ये पहनने से मैं सबकी नजरों में आ जाऊंगा, मैं नहीं पहन रहा इसे। ये एक तरह की वर्दी है जिसे पहनकर तुम काम करोगे, बिल्कुल किसी पुलिस की तरह, और ये वर्दी तुम्हारी पहचान बनेगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, लिनशुई के लोगों के लिए भी कर रहा हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है ये कि तुम्हारे इस काम से तुम और ज्यादा दुश्मन बना लोगे? मुझे इस बात की परवाह नहीं, और तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी जान जोखिम में है। मैं जानता हूँ। फिर भी तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि किसी को तो करना होगा। लिंगशुई में डकैतियां बढ़ती ही जा रही हैं, और कोई सामने नहीं आ रहा। ये हमारा घर है, और इसे बचाने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल किसी को सामने आना पड़ेगा, लेकिन तब तक हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना मैं सुरक्षित हूँ, और ना वो लिंगशुई के लोग सुरक्षित हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। तलवारबाज हुले, क्या हुआ? शहर में बहुत बड़ी चोरी हुई है, आपकी मदद की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, ये मौका है तुम्हें अपने आप को साबित करने का। पीछे चलो, क्या देख रहे हो? पीछे पीछे चलो, हट जाओ। कहाँ है वो? बहुत जल्द आएगा वो। यहाँ बहुत खतरा है, चलो यहाँ से चले। नहीं, मैं हुलाई को लिंगशुई का हीरो बनते हुए देखना चाहता हूँ। अरे जानकारी तो मिलने दो, आखिर हो क्या रहा है? भाई बाहर बहुत बड़ी सेना है, हम बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें बम से उड़ा दो।
बढ़िया, अगर मरने का डर नहीं तो और आओ। पूर्व, दक्षिण और उत्तर में हमारी सेना तैयार है और पश्चिम में बाहरी रास्ता है। वो देखो, वो आ गया। ये उड़ कैसे रहा है? ये क्या है? तो हुले यार, अरे तो सच में वो देखो, तलवारबाज हुले ही है। वो तलवारबाज बहुत अच्छे, कमाल के हो तुम। अरे वो देखो, वो आ गया। आराम से घर के छत से टकराना मत, बस संभल कर जाना। ये हुलाए है, हाँ हाँ, हमारी रक्षा करेंगे। कैसे करते हैं इसको? बस टकराना मत। कैसे हुआ? कैसे है? क्या बात है? क्या हुआ? चोरी हुई है। ऐसा लगता है कि काफी सारे चोर अभी भी अंदर ही हैं। हम किसी को नहीं पकड़ पाए। 2 घंटे हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। लेहू मार्शल आर्ट्स में बहुत ही माहिर है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? चिंता मत करो। ए, बहुत बढ़िया, तुम सबने अच्छा काम किया। हाँ, ये क्या बोल रहा है? हाँ। बड़े भाई, ये तो हुल आए हैं। उसे उड़ा दो। बहुत बढ़िया, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ। दरअसल तुम बहुत ही खूबसूरत हो और हम एक दूसरे को जानते नहीं, तो मैं तुम्हें छू नहीं सकता। बकवास बंद करो, मुझे यहाँ से ले चलो जल्दी। हाँ ठीक है। अरे देखो, वो हमारी मदद करने आ गया। जल्दी करो, यहाँ पर। बहुत बढ़िया, अब हम तुम्हारे सहारे हैं। चलो। तुम हो, मुझे जानते हो तुम? कुंग फू करते हो? कहां से सीखा?
काम हो गया? बहुत अच्छे। नहीं, तुमने अच्छा काम किया। ये देखो, हाँ, लगता है वो लोग आ रहे हैं। हाँ, इसमें वही है ना। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। तुम्हें इनसे बात करनी चाहिए। ये सब तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं, सब तुमसे बहुत खुश हैं। कैसे हो सब? क्या बात है? सभी लोग शांत हो जाइए। हुलाई, ये हमारे लिंगशुई के व्यापारी हैं। ये लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तलवारबाज हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आखिरकार आज आपको देख पाया, हम खुशकिस्मत है। तलवारबाज हूँ, आपके लिए एक शानदार शामियाना बनाया है हमने। सारा खर्चा हमने मुफ्त में कर दिया है। आप आएंगे इसके लिए सजावट की है हमने। तलवारबाज हूँ, आइए अंदर। आओ अंदर आओ। हुलाई, ये लो, इसे पियो। हाँ, मैंने सुना है सरकार तुम्हारे मामले पर गंभीर रूप से विचार करने वाली है। ये काम तो कुछ भी नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, लेकिन इस बार लिंगशुई के लोग तुमसे बहुत प्रभावित हुए हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। तुम दोनों इतने शांत क्यों बैठे हो? मुझे तुम दोनों के बारे में बताओ। हाँ, क्या मतलब? कहां मिले तुम दोनों? मैं बताता हूं। 3 साल पहले एक चोर मेरे घर पे आया था, मेरी सारी चीजें उठाकर ले गया और भागते वक्त उसने मेरे घर में आग लगा दी। जिस वक्त मेरा घर पूरी तरह से जल रहा था, ठीक उसी वक्त इन्होंने मेरा साथ दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर वो आग बुझाई। और तब से ये हमेशा मेरे साथ है, मेरे घर का ख्याल रखती है, हमारे व्यापार में मदद करती है और फिर हमने शादी कर ली। तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। मेरे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी था, फिर मुझे जिंदा दफनाया गया था, फिर एक बहुत बड़ी बाढ़ आई और मैं उस गड्ढे से बाहर निकल गया और मैं जिंदा बच गया। ये सब क्या चल रहा था? मैं भी जानना चाहता हूँ क्या चल रहा है, लेकिन मुझे तब से ज्यादा कुछ याद नहीं। दिल का दौरा? क्या तुम्हें याद है कि उसके पहले क्या हुआ था? मेरे पास एक टोकन है जो कहता है कि मैं किंगचेंग माउंटेन से हूँ। एक और किताब है जो कुछ समझ नहीं आती। मैं किंगचेंग माउंटेन इससे पहले गया हूँ। मैंने वहाँ पर ढूंढने की कोशिश भी की पर कुछ नहीं मिला। फिर मैं घूमता रहा, तब जाके मैं लिंगशुई आया। अब मैं थक गया हूँ और कहीं नहीं जाना चाहता। तो इतने सालों के बाद क्या तुम्हारा परिवार तुमसे मिलने नहीं आया? मुझे लगता है उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाया। लगता है उन्हें मेरे बिना रहने की आदत हो गई है। अब तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मुझे ये कहानी सुन के बहुत बुरा लगा। हम भी कैसी बकवास बातों में लग गए, माफ करना। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? वैसे मुझे बताओ खाना कैसे बना है? बहुत अच्छा। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं मुफ्त का खाना खुलेआम खा रहा हूँ। चलो आज कोई भी खाना फेंकेगा नहीं, सब कुछ खाया जाएगा। आओ चलो खाते हैं। आओ
चलो आराम से आ जाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा पूरा सर घूम रहा है, सर घूम रहा है मेरा। हाँ सही कहा, लगता है सब लोग ने पी रखी है। आओ ना बैठो। छोड़ो छोड़ो, मैं खुद बैठ सकता हूँ, मैं खुद बैठ सकता हूँ। चलो अपने पैर ऊपर लो, मैं जूते निकालता हूँ। नहीं नहीं मैं अपना ध्यान रख लूंगा। हिलो मत तुम, मुझ पर विश्वास रखो। हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। एक बात बताता हूँ, अब लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। पहले तुम्हें कोई पसंद नहीं करता था, अचानक लोग तुमसे प्यार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लिनशुई के लोगों की सेवा करो। मैं तुम्हें समझाता हूँ लेकिन तुम समझते नहीं हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक दिन बहुत बड़े तलवारबाज बनोगे। हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। चलो अब सो जाओ। चलो सो जाता हूँ। तुम भी जाकर सो जाओ। हुलाई एक बहुत बड़ा तलवारबाज है। वो सो गया है। हाँ और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम भी जल्दी सो जाओ। हाँ जल्दी सो जाती हूँ। वैसे खाना खाते वक्त तुम ठीक तो थी? वो बस मैं वो तुम्हारी वजह से नहीं रो रही थी, मैंने बहुत पी लिया था, मुझे नींद आ रही है। तुम भी जाकर सो जाओ, काफी समय हो गया है। तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें भी कुंफू आता है? चेतावनी दी थी तुम्हें, हमारे बीच में जो भी हुआ है अगर उसके बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। Thank you.
ये सब क्या हो गया? तुम उठ गए? ये यहाँ क्या हुआ? वो तुम्हारे दोस्त ने बहुत पी ली थी ना, तो उसे चढ़ गई थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो अंधेरे में टकरा गया। हाँ, मैंने भी बहुत पी ली थी। ये मत कहना मैंने बताया। सिर्फ शराब के नशे में दरवाजा तोड़ दिया? हाँ, वो सच में अपने काम में बहुत कुशल है। अच्छा सुनो, जरा मेरी मदद करना। मैं करता हूँ। तुम ताकतवर हो। अच्छा सुनो, मैंने कहा था ना कहीं घूमने जाना है, तुमने उस बारे में कुछ सोचा? तुमने कब कहा? अभी तो कहा। अच्छा है, तो कब जाएंगे हम? खाना खाने के बाद। इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन आज तो बहुत देर हो गई है। अरे चलो ना, बस हम दोनों। तुम चाहते हो ना हमारा कोई बच्चा हो? ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं आ गया। तुम ठीक तो हो क्या? वो मैं अभी बता रही थी इसे, आगे से तुम कम पीना, नहीं तो हमारा घर बनने लायक नहीं रहेगा। हाँ, वो कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी मुझे। मैं बहुत खुश था ना, इसीलिए ये टूट गया। श्रीमान चैन घर पर है? हाँ आ रहा हूँ, आता हूँ। जाओ। श्रीमान चैन, हाँ। मैं आपके लिए दरअसल एक संदेश लेकर आया हूँ। हाँ बोलो, क्या संदेश है? जल्दी करो। क्या करना चाहते हो? एक सेकंड रुकना। जी। ये अंदर से शोर कैसा आ रहा है? कुछ नहीं, वो बस कप टूट गया गलती से। सावधानी से। हाँ हाँ बताइए। हाँ, हमारे गुरु ने कहा है कि आप जिस संस्था हाँ? के बारे में बात कर रहे थे उसमें हाँ? उनको दिलचस्पी है। हाँ। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, देखो। अच्छा कुंग फू किया तुमने। चेतावनी दी थी। अब बस बहुत हो गया। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, फिर ये खेल में और खेलना चाहूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या तुम ये कर सकती हो? तुमसे ज्यादा माहिर हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आपका शुक्रिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो घर कितना गंदा हो गया था ना, तो हम साफ कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, वो लोग मेरे काम में एक बार फिर दिलचस्पी दिखा रहे हैं और वो लोग मिलना चाहते हैं। ये तो सच में अच्छी बात है। मुझे तैयारी करनी होगी। तुम्हें जाना होगा, बात करने को कुछ नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, इतना ही काम है मेरा। हाँ, पर पहले वादा करो, तुम ये जानने के बाद यहाँ से चले जाओगे, मेरे पति से बहुत दूर। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी ये संस्था अलग अलग देशों के साथ भी काम कर सकती है, उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाकर उनके साथ व्यापार भी कर सकती है। श्रीमान चैन, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले उस तलवारबाज के बारे में बात करते हैं। सही कहा, तुम हमें तलवारबाज हु से मिलवाओ।
इसके अलावा हम कुछ बात नहीं करेंगे। सही कहा। अबे तलवार बाज, अबे तलवार बाज कैसे मिलाओ, हमें मिलाओ उससे, हमें मिलाओ। ठीक है ठीक है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मिलवाता हूँ मैं आप लोगों को। और बस आ गई मैं। क्या पूछना है तुम्हें? सवाल? मैंने पहले ही कहा था मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी पूछना है जल्दी पूछो और यहां से बहुत दूर चले जाओ। मैं तो नहीं जाने वाला। तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? अरे ठीक है, मैं वादा करता हूं। आओ बैठो। पूछो। कौन हूं मैं और तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं भी तुम्हारी तरह किंग चंग पहाड़ से आई हूं। यही वो हथियार है जिसे हम इस्तेमाल करते थे, सूरज और चांद की तलवारें। क्या ये तलवारें? ये सच है, तुम वहां गए थे, वो पूरी जगह बर्बाद हो गई। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारा असली नाम वो यून फेंग है, तुम भी वहां के मास्टर सियोन के शिष्य थे मेरी ही तरह। 3 साल पहले मेरे बड़े चाचा ने डाकुओं से दोस्ती कर ली, हमारे मार्शल आर्ट का रहस्य चुराने की कोशिश की, मास्टर उनसे हार गए, मरने से पहले कुंफू का रहस्य बता दिया। मास्टर, 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 मास्टर। जब हम वहां पहुंचे, मास्टर पहले ही जख्मी थे, उन्होंने तुम्हें सब बता दिया और ली हुई ने इसी का फायदा उठाया, उसने तुम पर जहरीले वान मारे। तुम ठीक हो? चलो। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? उनके 2 आदमी हमारा पीछा करने लगे, हम भागते रहे। चट्टान के किनारे पहुंच गए, उसके बाद हम दोनों में कूदने के बाद तुमने मुझे जिंदा दफनाया, फिर इस शहर में आकर शादी करके जिंदगी बसा दी। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम्हें बहुत चोट लगी थी, तुम जख्मी थे, मैंने तुम्हें दिन रात बचा के रखा, लेकिन तुम उठे नहीं, फिर तुम्हारी सांसें रुक गई और मुझे लगा कि तुम मर गए हो। थंडर टाइगर से बचकर भाग रही थी और वहां से भाग जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं जिंदा था, मैं पता भी है कि मैं बिना याददाश्त के कैसे भटक रहा था।
मैं जानती हूँ और मुझे इसका अफसोस है। मानती हूँ ये गलती मेरी है। दरअसल जब तुम यहाँ आए थे तब मैं जानती थी, पर मुझे उस लफड़े में नहीं पड़ना था। मैं नहीं चाहती थी मेरे पति को पता चले कि मैं कुंग फू जानती हूँ। मैं बस तुमसे दूर रहना चाहती थी। मैं कर्जदार हूँ, तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। क्या है वो मेरा कर्ज? और हमारे रिश्ते के बारे में क्या? हाँ, हम दोनों भाई बहन थे। ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों भाई बहन नहीं हो सकते। होते तो तुम ऐसा नहीं करती। मैं तुम्हारी बहन ही हूँ। ठीक है, फिर मैं हैनमिंग को जाकर बता देता हूँ कि तुम्हें कुंफू आता है। रुक जाओ। अरे वो देखो, अरे वो देखो कितनी ताकतवर है। देखा तुमने, इसकी पत्नी भी मार्शल आर्ट जानती है। तुमने तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है। क्यों, सही कहा ना तुमसे, तुम्हारी पत्नी को मार्शल आर्ट की कला आती है और तुमने ये बात बताई नहीं। बताओ तुम्हें कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? हम देने को तैयार हैं। पैसे चाहिए? हम देंगे। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। मैं हूँ तोंग। मुझे सब बताने का मौका दो। तुम मुझे सब अच्छे से बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये तलवार कैसे? क्या तुम कुंग फू जानती हो? मुझे पता है। हाँ, मैं कुंग फू जानती हूँ। और हाँ, मैं और ये दोनों एक ही जगह से हैं। कौन तुम? वो मैं और ये। तुम मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। हाँ सही कहा, हमें विस्तार में बताओ। क्या तुम हमें शांति से बात करने दोगे? हा? तुमसे कई ज्यादा मैं बेताबू इसकी कहानी सुनने के लिए। दरअसल दरअसल क्या? वो दरअसल हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमारी कोई आधिकारिक शादी नहीं हुई थी और मुझे लगा तुम पहले ही मर चुके हो। पर तुमने मुझे ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बहुत पहले की बात है। अब तो मैं इसे याद भी नहीं करती। उसे याद नहीं है, पर तुम्हें तो याद है ना, और इसीलिए तुम यहाँ पर आई थी उसे ढूंढने के लिए। नहीं, मेरी और इसकी शादी मास्टर ने तय की थी। मैं हमेशा इसके साथ भाई बहन की तरह रहती थी, लेकिन हम दोनों अलग हैं। जब से मैं तुमसे मिली और तब से शादी करने तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब तुम सिर्फ ऐसे ही कह रही हो, क्या पता तुम शायद उससे पहले प्यार करती थी। मैंने जो कहा वो सब मैंने सच्चे दिल से कहा है। तो अब तुम क्या चाहती हो? मुझे अब कोई बात नहीं करनी। मियो तोंग, हानमिंग, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ। फिर तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? क्योंकि मैंने उसे तकलीफ दी है। मैं जानता हूँ उसने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है, लेकिन फिर भी मैंने मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें अब तक पता नहीं? तो अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या पता, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि अगर तुम अभी उसके पीछे नहीं गए तो तुम उसे खो बैठोगे। ठीक है। मियो तोंग,
बड़े भाई अब हम क्या करेंगे? यकीन नहीं होता, भतीजा हूं अभी तक जिंदा है। बढ़िया है, मुझे उससे कुछ लेना जो है। बड़े भाई मैं जानता हूँ कि हुला इसी शहर में, उसका एक दोस्त भी है, चैन हैनमिंग नाम है उसका। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हुला खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। बढ़िया। मैं और वो साथ में बड़े हुए थे, साथ ही पढ़े और मास्टर के कहने पे हम शादी करने वाले थे। सब कुछ बिल्कुल साफ था, मैंने भी इस बात को मान लिया था और फिर मैंने इस बात को भी मान लिया कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। 3 साल पहले तक उसने एक बड़ी आपदा को झेला है, हम दोनों अलग हो गए थे। फिर लियू ब्याह तो वो यहां पर कैसे? म्योतोंग सुनो, क्या तुम जानते हो मैं इतने साल तुम्हारे साथ थी, मुझे सच पता चल गया है कि जो तय होता है वो भाग्य नहीं होता। और एक सच्चा प्यार मुझे मिला है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं, चलो यहां से। अंकल ली यू मियाओ तुम, यकीन नहीं होता कि तुम सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि शादीशुदा भी हो। कैसी चल रही है तुम्हारी छोटी जिंदगी? हंसी खुशी है ना? बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे कुंफू के गुप्त दस्तावेज लौटा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। कुंफू का रहस्य मेरे पास नहीं है, वो उसके पास है। अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ आओ। जाओ। हिलो मत। अगर पत्नी को बचाना चाहते हो तो जाकर हुले से कहो कि मुझे गुप्त दस्तावेज दे और टाइगर गैंग पर आकर मिले। मैं निकलता हूं। हुलाई हुलाई जल्दी करो, मियां तुम को बचाओ, थंडर टाइगर उसे ले गए। कहां? टाइगर गैंग। टाइगर गैंग? मैं भी आता हूँ। जरूरत नहीं, तुम्हें ठीक से कंफू भी नहीं आता, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ले आता हूँ। ठीक है, ये पकड़ो। चलो चलो, अपना ध्यान रखना। चलो चलो।
मियो तोंग, भतीजे हूँ, लोगों को बचाने की इतनी जल्दी, जो मांगा था वो लाए हो या नहीं? हाँ, छोड़ दो उसे पहले। रुक जाओ। मार दो। Ha 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 ha
मियतोंग, अब हमारी संस्था तैयार हो चुकी है, मगर फिर भी मेरी जिंदगी में कुछ तो कमी है। क्या है? घर चलकर मेहनत करते हैं। कहना क्या चाहते हो? समझ नहीं आया। 10 महीने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। कैसे बातें करते हो? मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी तब समझ आएगा। दर्द हुआ, दर्द हुआ। सब देख रहे हैं, उठो ना, हम बाहर हैं। देखो कितने लोग हैं, उठ जाओ। ये शानदार नजारा देखने के लिए भाई हू हमारे साथ नहीं है, बहुत बुरी बात है। उसने सब कुछ जाने के लिए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। ये बात तो सच है, उसके बिना बहुत शांति है। तो घर चले अब, चलो। ये सुंदर है। मैंने अभी संदेशा भेजा है, मेरा भाई अभी आता होगा। बेहतर यही होगा, ये सामान हमें दे दो। हिम्मत है तो छूकर दिखाओ।